सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पता पीएचई के सामने सम्राट होटल के पास एवी रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। राग से वैराग्य की यात्रा, आचार्य श्री की आज्ञा मिलते ही क्षण भर में दीक्षार्थियों ने उतार फेंके वस्त्राभूषण। नैमि सागर, निर्दोष सागर, नमी सागर एवं निर्लोभ सागर महाराज के नाम से हुआ नामांकन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में शहर में निकाली गई बाइक रैली, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भगवा ध्वज लहराते हुए देश का नाम ऊंचा करने वाले रत्नेश पांडे की इस सफलता पर आज बिहिप व बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में रैली निकालकर खुशी जताते हुए लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया गया। गुना बाईपास पर शराब पीकर चला रहे बेकाबू डंपर ड्राइवर ने मारी वाहनों में टक्कर। गुना बाईपास टोल नाके के पास एक शराब पीकर चला रहे डंपर ड्राइवर ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। 460 ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि जब वे रोड पर चल रहे थे तो सामने से ट्रक चला रहे डंपर ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गुना अभिभाषक संघ के निर्वाचन हेतु जारी रही मतदान प्रक्रिया। गुना अभिभाषक संघ की प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए आज सुबह स्थानीय न्यायालय परिसर में अभिभाषक हॉल में मतदान शुरू किया गया। पुरानी छावनी निवासी पंकज कुमार ब्रह्म भट्ट के घर में आज अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग ने विशाल रूप धारण नहीं किया, नहीं तो बड़ी हानि हो सकती थी। लेकिन घर में लगी इस आग से घर का कई सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे पंकज कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज स्थानीय जैस्तम चौराहे पर सरकार द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया गया एवं नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की गई। एक साला एक परिसर क्लोजर मर्जर सीएम राइजिंग स्कूल जैसी नीतियों की आड़ में सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पदोन्नति पदनाम को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। प्रदेश के शिक्षक नाराज हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षकों के पदनाम देने की घोषणा 3 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसका पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के सभी शिक्षक नाराज हैं तथा मुख्यमंत्री की घोषणा को पालन कराने तथा आदेश जारी कराने के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ 15 फरवरी को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। लोधा लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई गुना द्वारा प्रतिभा सम्मान कैरियर गाइडेंस एवं वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। 14 फरवरी को श्री राम मैरिज गार्डन पुरानी छावनी गुना पर अखिल भारतीय लोधा लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई गुना द्वारा समाज के 10वीं एवं 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, नवनियुक्त एवं सेवानिर्मित अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान, कैरियर गाइडेंस सहित वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। पीजी कॉलेज का नाम शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय कराए जाने के लिए स्वामी विवेकानंद ग्रुप ने दिया विधायक को ज्ञापन। विधायक गोपीलाल जाटव ने उनकी मांग पूर्ण कराए जाने के लिए शासन को लिखा पत्र। स्वच्छता को लेकर काम कर रही टीम का हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष ने किया स्वागत। आरओ नगर में स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही टीम युवाओं की पहल, स्वच्छ हो आरओ नगर, हमारा टीम के सभी कार्यकर्ताओं का हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा गुना द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को माला पहना कर स्वागत किया गया।
हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंची युवा टीम। आरओ नगर की युवा टीम हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने एवं उनकी निवास गुना पहुंची। इसी क्रम में केशव शर्मा को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा शुभकामनाएं दी गयी। इस मौके पर समस्त आरओ युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरोन जैन समाज के युवाओं ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित की। बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान के तहत सामाजिक समरता भी दिखाई दे रही है। जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सभी वर्गों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आरोन जैन समाज के युवा वर्ग ने राम मंदिर निर्माण के लिए युवाओं ने धन संग्रह किया। नानाखेड़े में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने संविधान निर्माता गणतंत्र के महानायक बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त। संबंधित थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ की गई शिकायत। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरादपुर में जहां वाटिका के नाम पर शासकीय राशि में गड़बड़ी, डीओ से की गई शिकायत। मामला बमोरी क्षेत्र के मुरादपुर गांव में जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय के जिम्मेदारों द्वारा वाटिका के नाम पर 10,000 की हेराफेरी की। स्थानीय रेलवे ग्राउंड में चल रही स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृति में 8 विकेट टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दिनांक 22 फरवरी को सुपर 8 राउंड के 4 मैच खेले गए। गुना के नवीन एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण। गुना पुलिस कप्तान अब होंगे राजीव कुमार मिश्रा, संभाला उन्होंने पदभार। राग से वैराग्य की यात्रा, आचार्य श्री की आज्ञा मिलते ही क्षण भर में दीक्षार्थियों ने उतार फेंके वस्त्राभूषण। नैमिषागर, निर्दोष सागर, नमी सागर एवं निर्लोभ सागर महाराज के नाम से हुआ नामांकन। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने दिए दीक्षा संस्कार। गुना शहर को राग से वैराग्य की यात्रा का साक्षी बना। एक एकल श्री के अलावा 3 ब्रह्मचारी भाइयों को आचार्य श्री वर्धमान महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा संस्कार देकर जैनेश्वरी दीक्षा दी। इसी के साथ एकल श्री नेमिशागर जी का नाम पूर्वत नेमिशागर महाराज ही रहा, जबकि संतोष भैया जी, निर्दोष सागर जी, प्रेमचंद्र भैया जी बंडा नमी सागर जी एवं सागर भैया जी निर्लोभ सागर जी महाराज बन गए और सांसारिकता को छोड़कर दिगंबर निग्रंथ साधु का जीवन शुरू किया। इस दौरान आचार्य श्री की आज्ञा मिलते ही तीनों दीक्षार्थियों ने क्षण भर में सांसारिकता को छोड़कर वस्त्राभूषण उतार फेंके, जिसे देखकर पंडाल में मौजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाविभोर होते और नव दीक्षित मुनिराजों के जयकारों से पंडाल गुंजायमान हो उठा। ओम ह्रीम पाठकेभ्यो नमः। ओम रूम संस्थानेभ्यो Thank you.
अच्छा निर्देशन रखने का प्रति साल जो चंद्रमा को हम सकते हैं अधिक दिखाने अधिक संपन्न होने में मतलब एक पुतिया में कभी सिद्धान में सिद्धान से जो सिद्धान जैसे सिद्धान अधिक आगे का प्रति मन काले कर सिद्धान से सिद्धान से ऐसे कर मन चीनी पूजी में बंधान में साल कोको कमको वही ना हो सुबह ही कमल समाई मन जो में संपत्ति हो रही मध्यम दीक्षा जो कि सिर पर सुस्ती लेकर चल रहा है सीखा सीखा लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वधान में शहर में निकाली गई बाइक रैली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भगवा ध्वज लहराते हुए देश का नाम ऊंचा करने वाले रत्नेश पांडे की इस सफलता पर आज विहिप व बजरंग दल के संयुक्त तत्वधान में रैली निकालकर खुशी जताते हुए लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया गया। जी बताएं। ये यात्रा युवा जागृति यात्रा हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कर्मभूमि चित्रकूट धाम से 11 जनवरी को शुरू होकर आज गुना के पावन धरती में पहुंची है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में 18 फरवरी को यात्रा का समापन होगा। यात्रा के माध्यम से प्रयास है कैसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी इस पुनीत कार्य से जोड़ा जा सकते हैं, कैसे हर युवा को राष्ट्र के लिए प्रेरित किया जा सके। एक लंबे संघर्ष का त्याग बलिदान के बाद यदि आज ये पुनीत दिन हमें देखने को मिल रहा है तो अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दिया जा सके। ये यात्रा प्रयास है कि कैसे एक लंबे समय के बाद हम आज ये जो दिन देख रहे हैं, बार बार इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि हमें कलयुग में दोबारा त्रेता देखने को मिल रहा है, कलयुग में दोबारा रामयुग देखने को मिल रहा है, हमें इसमें बढ़ चढ़ के अपने भागीदारी निभानी है और इसी संदर्भ में आज यात्रा यहाँ गुना की पावन धरती पर पहुँची है। गुना अभिभाषक संघ के निर्वाचन हेतु जारी रही मतदान प्रक्रिया। गुना अभिभाषक संघ की प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के लिए आज सुबह स्थानीय न्यायालय परिसर में अभिभाषक हॉल में मतदान शुरू किया गया। मतगणना कब होना है? मतगणना कल शनिवार। कितने बजे प्रक्रिया चालू हुई थी चुनाव? 10 बजे से शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब भी रिजल्ट आ जाएगा। आपका शुभ नाम? अंजुला सोनी है। पुरानी छावनी निवासी पंकज कुमार ब्रह्म भट्ट के घर में आज अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग ने विशाल रूप धारण नहीं किया, नहीं तो बड़ी हानि हो सकती थी। लेकिन घर में लगी इस आग से घर का कई सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे पंकज कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नाम बताओ आपका? पंकज कुमार ब्रह्म भट्ट। क्या हुआ आपके इधर? अभी घर पे इधर घर में कल आग लग गई थी, तो मोहल्ले वाले ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बुझाई, बहुत तेज आग लग गई थी। कैसे लगी आग? दीपक जल रहा था घर में, दिया बत्ती कर रहे थे घर में और फिर बच्चे बाहर खड़े हो गए, तो उतने में अंदर आग लग गई कमरे में दिए से। और मैं ऑटो चला रहा, ऑटो स्टार्ट करके जाने वाला था, पूरे घर में आग लग गई। तो फिर आग भक्के आग बुझाई, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए, उनने आग बुझवाई पूरी। मिल के भिजवाने के बाद जो है ना, फिर भी कुछ सामान बचा पाए, कुछ जल गया,
क्या क्या जल गया, क्या क्या नुकसान हुआ? मेरे कपड़े घर के पूरे मेरे कपड़े जल गए, मेरे पहनने के, इनके पहनने के जल गए, साड़ी वगैरह कपड़े और भी कागज दस्तावेज थे वो भी जल गए, कुछ पैसे थे वो भी जल गए, बच्ची के भी कपड़े जल गए, गुड्डे वगैरह। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 30-40 हज़ार रुपये। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की अभी? नहीं कर पाए थाने में, दिमाग कंट्रोल में नहीं था तो इसमें लगे रहा, हम दिमाग हमारा गाड़ी इसमें लगा रहा, घर में ही क्या इसकी साफ सफाई करी तो हम नहीं जा पाए रिपोर्ट डालने। ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर सरकार द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया गया एवं नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग की गई। एक साला एक परिसर क्लोजर मर्जर सीएम राइजिंग स्कूल जैसी नीतियों की आड़ में सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ में आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जी बताइए, आज प्रदर्शन कर रहे हैं किस संबंध में कर रहे हैं? आज छात्र संगठन AIDSO के आह्वान पर राज्य स्तरीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारी प्रदेश की सरकार ने CM राइज स्कूल के नाम से कुछ उच्च स्तरीय स्कूल खोलने का प्लान बनाया है कि और 15 किलोमीटर के दायरे में एक CM राइज स्कूल खोला जाएगा जो 1000 विद्यार्थियों के लिए होगा, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी और वो स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये है कि उसके आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, ये हमारी सरकार बोल रही है। इसका मतलब सिर्फ 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए हजारों लाखों छात्रों का भविष्य को पूरा चौपट कर दिया जाएगा, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ये नियम सरकार लेकर आई है, जो नई शिक्षा नीति 2020 आई उसके तहत ये सारे ऐसे नियम बन रहे हैं। कभी एक परिसर एक शाला, कभी क्लोजर एंड मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति, और ये जो CM राइज स्कूल खुल रहे हैं ये भी सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे। जो बचे कुचे मात्र पूरे प्रदेश में 10,000 सरकारी स्कूल बचेंगे, और ये 10,000 सरकारी स्कूल भी वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट की तर्ज पर चलाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल प्राइवेट जैसे चलाएंगे, यानी पूरी तरीके से हमारी जो शिक्षा है इसका निजीकरण व्यापारीकरण बहुत तेजी से हो जाएगा। इसलिए इसके विरोध में आज ये राज्यव्यापी विरोध दिवस रखा गया है और इसी के तहत आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। पदोन्नति पदनाम को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। प्रदेश के शिक्षक नाराज हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षकों के पदनाम देने की घोषणा 3 वर्ष पूर्व की गई थी, जिसका पालन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के सभी शिक्षक नाराज हैं तथा मुख्यमंत्री की घोषणा को पालन कराने तथा आदेश जारी कराने के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ 15 फरवरी को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। आपकी मांग मुख्य रूप से हमारा हमारी एक सूत्र मांग थी पदनाम वाली। 3 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पदनाम देने की घोषणा की गई थी, परंतु प्रदेश में बैठे हुए अधिकारियों की मनमानी की वजह से आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है और उसको पूर्ण कराने के लिए हमारा 8 तारीख को भोपाल में अभी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तय किया गया कि समस्त जिलों में, प्रदेश के समस्त जिलों में हमारी इस एक सूत्रीय मांग के लिए एक साथ 15 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, जिसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके साथ हमारी अन्य मांगे भी हमने शामिल किए हैं, जो 14 सूत्रीय मांग पत्र हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शर्मा, समग्र शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष गुना। गुना बाईपास पर शराब पीकर चला रहे बेकाबू डंपर ड्राइवर ने मारी वाहनों में टक्कर। गुना बाईपास टोल नाके के पास एक शराब पीकर चला रहे डंपर ड्राइवर ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। 460 ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि जब वे रोड पर चल रहे थे तो सामने से ट्रक चला रहे डंपर ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
अभी कौन चला रहा था? तू चला रहा था ना? नहीं गुड्डू भाई साहब से बात करवा दो। चला कौन रहा था ये बता पहले, तू चला रहा था? कहाँ है हरिओम? दोबारा मोटरसाइकिल से आकर भरते हैं। उसने चला रहा था? ये तो बता रहे हैं यही चला रहा था। नहीं सर अपने से गलती नहीं हुई। तू नहीं चला रहा? नहीं यही चला रहा है। शराब पी रखी है? बिल्कुल शराब पी रखी है। हाँ सर मैंने। क्या नाम है तेरा? पांडे जी बोलते हैं। तेरा कहाँ, क्या नाम बता? पांडे नाम? सूरज कुमार पांडे। कहाँ का रहने वाला? यूपी बनारस भदोही। तुम्हारी गाड़ी नंबर बता। मेरी गाड़ी नंबर यूपी 25 GT 5613। कहाँ से आ रहे थे जी? हम इधर से आ रहे थे बरेली से, ग्वालियर रोड। एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट सर ऐसे हुआ था, ये चल रहा था आगे आगे हमारे, हम इसके पीछे चल रहे थे और भी हमारे पीछे गाड़ी चल रही थी, इधर से भी जाम आ रहा था, तो इन्होंने एकदम इमरजेंसी ब्रेक मारे। इन्होंने जब ब्रेक मारे तो मेरी गाड़ी थोड़ी पल्ली तरफ को काटी, मैं फिलहाल उधर से गाड़ी आ रही, मैंने ज़्यादा नहीं काट पाया, गाड़ी ने थोर रोक ली, गाड़ी जो रोकी है तो बस गाड़ी लग गई। मैं उधर को जा रहा था तो उधर भी। क्या नाम है? मेरा अकबर। पूरा बताओ। मोहम्मद अकबर खान? नहीं खाली मोहम्मद अकबर अंसारी। त्रिपुर हॉजरी सेल, अंतिम ऑफर, भारी डिस्काउंट के साथ 1000 की खरीदी पर एक टी शर्ट फ्री। सेल का आखिरी दिन, 150 वाली साड़ी मात्र 50 रुपए में। दिन मंगलवार 9 फरवरी रात्रि 10 बजे तक। पता पवन श्री मांगलिक भवन, जयस्तम चौराहा, गुना। बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट TV उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट है। नॉट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408।
गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा, रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।